मोदी सरकार जब से सवर्ण आरक्षण बिल लेकर आई है तभी से ओबीसी आरक्षण की मांग तेज हो गई है। कुछ विपक्षी दल तो पहले ही ओबीसी कोटे को बढ़ाने की मांग कर रहे थे, तो वहीं अब एनडीए के कुछ सहयोगियों ने भी विपक्षी दलों से सहमति जताकर सरकार की परेशानी बढ़ा दी है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक कहीं मिस्टेक स्ट्रोक ना बन जाए। जब जब चुनाव होते हैं आरक्षण का जिन रह रहकर बाहर आ ही जाता है। मोदी सरकार ने भी आम चुनाव से पहले सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का बिल लाकर उन्हें साधने की कोशिश की। सरकार को उम्मीद है कि उसका ये फैसला दोबारा उसे सत्ता दिला देगा। सरकार को इसका लाभ मिलेगा या नहीं ये तो पता नहीं, मगर सरकार के इस दांव के बाद सहयोगी दल आरक्षण मामले में ऐसी मांगे उठाने लगे हैं जो सरकार के लिए परेशानी का सबब साबित हो सकता है। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री और आरबीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले ने मांग की है कि केंद्र सरकार ओबीसी कोटे को बढ़ाए। रामदास अठावले ने कहा कि अब सरकार को ओबीसी कैटेगरी में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 10% अतिरिक्त आरक्षण बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को ओबीसी आरक्षण 27% से बढ़ाकर 37% करना होगा। इसके तहत ओबीसी में एक सब कैटेगरी बनानी चाहिए जिसमें अत्यधिक गरीबों और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को रखना चाहिए। अठावले ने कहा कि वो खुद एनडीए के सामने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण देने का प्रस्ताव 3 बार रख चुके हैं, मगर अब सरकार को इस पर कदम आगे बढ़ाने होंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पूर्व साथी जीतनराम मांझी ने भी ओबीसी ईबीसी एससी और एसटी को आबादी में उनके अनुपात के अनुसार आरक्षण देने की वकालत की है, तो विपक्षी और सहयोगियों की इस मांग पर सरकार कोई कदम उठाएगी ये बड़ा सवाल है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।